ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि एक ग्राफिक कार्ड यानी जो जीपीयू होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके गेमिंग पीसी का, और इसीलिए जो जीपीयू है उसको परचेज करते समय आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं कि मुझे कौन सा वाला जीपीयू लेना चाहिए, क्या मुझे 2060 सुपर लेना चाहिए या फिर RX 5700 के साथ जाना चाहिए। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया है, कि जो शॉपकीपर या फिर रिटेलर है उनकी बातों में आकर एक रॉन्ग जीपीयू को जो है परचेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, रिटेलर को तो अपना लाइक जो पुराना स्टॉक है उसको निकालना होता है, इसीलिए वो आपको कुछ भी वहां पे दे देता है, लेकिन आपकी जो ये रॉन्ग जीपीयू का डिसीजन है इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ जो है मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको अपने माइंड में रखना चाहिए एक जीपीयू को बाय करते टाइम में, तभी आप एक राइट जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको यहाँ पे परचेज कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अब गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि जब भी हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने जाते हैं तो वहां पे गाइज जीपीयू को परचेज करने के टाइम पे हम उस पर काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो प्रोसेसर है उसमें कम पैसा खर्च करने से हमारे जो ओवरऑल पीसी की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैंने अपनी तरफ से नोटिस करा है कि आप में से काफी सारे लोग क्या करते हैं कि एक i3 9100F जैसा प्रोसेसर परचेज कर लेते हैं, जो कि काफी लोअर एंड सीरीज का है, एंड उसके साथ जो जीपीयू परचेज करते हैं, क्योंकि माइट भी आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट है कि जीपीयू जितना मैं पावरफुल ले लूंगा उतनी ही मुझे जो है बेटर परफॉर्मेंस यहां पे मिल जाएगी। बट गाइज, ऐसा नहीं है, आपको एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। तभी मैं कहता हूं कि अगर आप लाइक एग्जाम्पल के लिए एक RX 5700 लेते हैं तो उसके साथ लाइक आप i3 9100F को पेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लोअर एंड सीरीज का प्रोसेसर है। इसके लिए जो ऑप्टिमल यहाँ पे प्रोसेसर रहेगा वो Ryzen 5 3600 है। तो अगर आप एक लोअर एंड सीरीज के प्रोसेसर को हायर एंड सीरीज के ग्राफिक कार्ड के साथ पेयर कर दोगे तो वहां पे काफी हद तक आपको प्रोसेसर के केस में बॉटल नेकिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए गाइज, जब भी आप एक जीपीयू परचेज कर रहे हो तो उतना ही पैसा आप प्रोसेसर पे भी इन्वेस्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब इतना तो आप लोग जानते ही हो कि आपको एक पावरफुल जीपीयू के साथ पावरफुल सीपीयू पेयर करना भी बहुत जरूरी है। बट फ्रेंड्स, आप इन जीपीयू और सीपीयू को पावर दोगे कहां से? तो इसका आंसर है एक राइट पावर सप्लाई को चूज करके। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने मार्केट में काफ़ी बार नोटिस किया है कि जो रिटेलर्स हैं वो कस्टमर्स को पीसी बिल्ड करते समय एक सस्ती पावर सप्लाई यहाँ पे पकड़ा देते हैं, जैसे कि इंटेक्स है, आईबॉल है, और भी काफ़ी सारी ब्रांड्स की। इनकी जो क्वालिटी होती है गाइस, ऑनेस्टली अगर मैं अपने तरफ से आपको बताऊं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप एक जीपीयू बाय करें तो एक राइट पीएसयू को भी परचेज करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपके जीपीयू को राइट अमाउंट ऑफ यहाँ पे पावर डिलीवर करने के कैपेबल हो। बट यहाँ पे गाइज, पावर सप्लाईज में भी रेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपको खाली सर्टिफाइड मिलती है, गोल्ड मिलती है, सिल्वर मिलती है, प्लैटिनम मिलती है, और भी काफ़ी ज़्यादा आगे तक। तो वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आप गोल्ड सीरीज के अंदर यहाँ पे परचेज करो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब गाइज, यहाँ पे पावर सप्लाई के बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है कंपैरिजन ऑफ ग्राफिक्स कार्ड। अब यहाँ पे जब भी आप मार्केट में नया जीपीयू लेने जाते हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप एक बजट बना के जाते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं हमारा जो जीपीयू परचेज करने का बजट है वो 40,000 रुपीज़ के आसपास है। अब यहाँ पे गाइज, मेरे हिसाब से इसके अंडर जो सबसे अच्छे ग्राफिक कार्ड होने वाले वो गाइज आई गेस एनवीडिया की साइड में RTX 2060 सुपर है, RTX 2070 सुपर है, एंड AMD की साइड में उनका RX 5700 XT है। अब यहाँ पे आपका जो ग्राफिक कार्ड का चॉइस है वो वेरी कर सकता है आपके गेमिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और आपके बजट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे इनमें से जो ग्राफिक कार्ड गाइज मैंने चूज करा है वो एनवीडिया का RTX 2070 सुपर है। तो यहाँ पे गाइज, अब ग्राफिक कार्ड को चूज करने के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहते हो। तो माइट भी सपोज कर लेते हैं हम इनो 3D के RTX 2070 जो है सुपर ट्विन X2 के साथ जाना चाहते हैं। अब इसके बाद गाइज, इंपॉर्टेंट है कि इस ग्राफिक कार्ड का जो
प्राइस है वो आप ऑनलाइन में चेक करो सारी वेबसाइट्स के अंदर, जहां पे गाइस मेरे हिसाब से जो रेप्यूटेड वेबसाइट्स में आपको चेक करना चाहिए वो है एमडी कंप्यूटर्स, वेदांत कंप्यूटर्स और प्राइम एबीजी। हालांकि यहां पे मैं अमेजोन की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके प्राइजेस तो इतने इनसेन होते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो आप इन तीन मेजर वेबसाइट्स का यहाँ पे जो है सहारा ले सकते हो एंड देख सकते हो कि आपको सबसे चीपेस्ट जो है इस स्पेसिफिक मॉडल का जो प्राइस पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है। अब गाइस यहाँ पे इस चीज़ को चेकआउट करने के बाद आप ऑफलाइन मार्केट में भी जाइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन मार्केट में जाके भी देखिए कि आपको डिफरेंट शॉप्स के अंदर इनो 3D का RTX 2070 जो सुपर है वो कितने प्राइस पे मिल रहा है, एंड फिर उसके बाद ये देखिए कि ऑनलाइन आपको महंगा आपको सस्ता मिल रहा है या फिर आपको ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है। जहां से भी आपको सस्ता मिल रहा है वहां से आप परचेज कर लीजिए। अब जैसे ही गाइस यहाँ पे आप परचेज करने का मन बना लेते हो, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूट्यूब पे जाके इसका ऑनलाइन रिव्यू भी देखो, जहाँ पे गाइस इसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं ही, आपको लाइक जेन्युइन रिव्यूज दे देते हैं कि आपको इस GPU से कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल रही है। तो आप देख पाओगे कि YouTube के सहारे आपको उस GPU के अंदर टेम्परेचर्स कितने देखने के लिए मिल रहे हैं मैक्सिमम लोड में, जो डिज़ाइन है ओवरऑल वो GPU का अच्छा है या नहीं है, कैसा उसका VRM जो है फेस डिज़ाइन है, एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स ओवरऑल कैसी जो परफॉर्मेंस है आपको इस GPU से एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाती है। अब गाइस ये सब करने के बाद ही आप एक परफेक्ट GPU को परचेज कर पाओगे एक परफेक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। अब गाइस यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी मेजर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बता दी है, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके बताना चाहूँगा। जहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्रोसेसर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लोअर एंड में ले लोगे तो वो एक हायर एंड GPU के साथ वहाँ पे काफ़ी बॉटलनेक कर देगा। सेकेंड गाइज मैंने आपको बताया कि पावर सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप एक चीप पावर सप्लाई परचेज कर लोगे तो वो आपके ग्राफिक कार्ड को जो है प्रॉपर जो पावर है वो वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाएगा, और आप जब भी एक अपग्रेड करोगे या कुछ नया कंपोनेंट लगाओगे तो वहाँ पे आपको फिर से जो प्रॉब्लम है वो फेस करने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद मैंने आखिरी में आपको बताया कि ग्राफिक कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन कंपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बेस्ट जो प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो है वहां पे अचीव कर पाओ। तो गाइस फिर मैं होप करता हूं कि आज भी जो भी मैंने आपको बताया वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और इसकी मदद से आप नेक्स्ट जब भी GPU परचेज करने जाओ तो आप एक राइट GPU ही परचेज करके आओ। बाकी गाइस फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा फेसबुक ग्रुप है BTI स्क्वाड के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और जब भी आप वहाँ पे पोस्ट डालोगे तो हम अपनी तरफ से आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी फ्रेंड्स फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज नमस्कार।